कोविड-19 महामारी के बीच लगभग 20 दिनों के बंद के बाद निजी अस्पतालों ने जनता के लिए ओपीडी सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। यह कदम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल द्वारा गत दिवस उपायुक्त निशांत कुमार यादव के साथ एक बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें डॉक्टरों को वायरस फैलाने की सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। निजी डॉक्टरों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा कि क्या उन्हें कोविड या फ्लू के कोई भी लक्षण हैं। डॉक्टरों से कहा गया है कि वे अस्पताल और मरीजों को स्वच्छता दें। इसके अलावा अगर वे बिना मास्क के आते हैं तो उन्हें मास्क प्रदान करें। आईएमओ को यह रिपोर्ट करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि क्या वे फ्लू या कोविड के लक्षण के साथ कोई रोगी को पाते हैं। लॉकडाउन लागू होने के लगभग 2 दिन के बाद ज्यादातर अस्पतालों ने ओपीडी सेवा को रोक दिया और आम जनता को टेलीफोनिक परामर्श देना शुरू कर दिया। हालांकि इस अवधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं को बढ़ाया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हमने ओपीडी को फिर से शुरू किया है। उसी के लिए समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होगा। डॉक्टरों का दावा है कि वे कोविड प्रसार को रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कर रहे हैं और सभी सुरक्षा उपायों को अपना रहे हैं जिनकी सिफारिश जिला प्रशासन द्वारा की गई है। हमने जो आईएमए के साथ बैठक करके हमने ये प्रोविजन किया है कि जितने भी हमारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपनी ओपीडी जो है वो 9 बजे से 1 बजे तक रोजाना रन करेंगे। कोई भी इमरजेंसी चार्जेस इस दौरान अननेसेसरीली चार्ज नहीं करेगा। हमारी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, लैब्स हैं, वो भी 9 से 1 तक खुले रहेंगे। 1 बजे बाद सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स ही देखे जाएँ। इमरजेंसी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स 24 घंटे खुले रखेंगे और जितने भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जब पेशेंट्स देखेंगे तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स लगते हैं उनको, जो जिनमें कोविड के लक्षण हैं, उनको गेट पर ही ट्रायज एरिया बना करके सेपरेट करेंगे और उनको कल्पना चावला में डायरेक्टली भेजेंगे। कोई भी कोविड का पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक वहाँ आता है तो उसको किसी भी हालत में डील नहीं करेंगे। सर, आपको बताया कि कल हमारे डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है आईएमए की और उसमें सिविल सर्जन करनाल और कल्पना चावला के डायरेक्टर साहब डॉक्टर दुरेजा भी उपस्थित थे, तो उसमें ये फैसला लिया गया डीसी साहब की मर्जी से कि 9 से 1 रोज ओपीडी सारी खुलेंगी, सब पेशेंट्स को उसमें पूरी सहूलतें दी जाएंगी। ये सहूलतें पहले भी अवेलेबल थी, पहले थोड़ा सा इमरजेंसी के हिसाब से दी जा रही थी, अब रूटीन में सब ओपीडी फंक्शनल हो गई हैं और जो भी पेशेंट यहाँ पे काम के लिए अपने किसी प्रॉब्लम के लिए आना चाहे तो आ सकता है। पर अभी भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जरूरी हो तभी आएँ ताकि हॉस्पिटल्स में रश ना हो, और आने से पहले अगर समय फिक्स कर लें, निर्धारित कर लें, अपॉइंटमेंट ले दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.